अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरसलान और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर जीनियस। और आज मैं आपके साथ सैमसंग का एक मसला इशू जो है वो उसको डिस्कस करने वाला हूँ। सैमसंग के मोबाइल में एक बहुत ही बड़ा मसला, मतलब एक बड़ा तो नहीं कह सकते, एक छोटा मसला आता है कि सैमसंग का सिस्टम जो SI यूनिट है वो वर्क नहीं करता कभी कभी। मतलब जैसे आप ऐप चलाते हैं या कोई ऐप चलाते चलाते दौरान आपके सामने उधर एरर आ जाता है और वो ऐप आपकी बंद हो जाती है। व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कुछ भी हो, वो एरर आ जाता है और वो ओपन नहीं होता। वो एक उसी टाइम आता है, मतलब ऐप वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट का ऑप्शन आता है, उसको कैंसिल करने का ऑप्शन आता है। सैमसंग में ये ऑप्शन आता है, काफ़ी लोग मोबाइल वगैरह फ्रिज देते हैं, उनको लगता है कि उनका मोबाइल शायद हैंग हो रहा है, लेकिन हैंग वैंग नहीं होता मोबाइल आपका। आपने दो सेटिंग्स करनी होती हैं। पहली सेटिंग तो आप जो है अपना मेमोरी कम से कम मतलब यूज़ करें, मेमोरी की परसेंटेज कम करें। जितनी मेमोरी की परसेंटेज कम करेंगे आपका उतना चांसेस कम होंगे कि आपको मोबाइल जो सिस्टम जो SI यूनिट है वो हैंग हो। और उसके बाद दूसरा ये है कि आपने सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद ऐप्स मैनेजमेंट में जाना है, उसके बाद आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा ऐप्स सिस्टम या सिस्टम ऐप्स, कुछ ऐसा आपके सामने आएगा इंटरफेस, आपने उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने सिस्टम SI को सर्च करना है या स्क्रोल डाउन करके भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही वो फाइंड हो जाए उसके बाद आपने उसको डिसेबल कर देना है, फोर्स स्टॉप करना है। उसके बाद आपका कैच जो डेटा है उसको क्लियर करना है आपको, उसमें से भी आपकी काफ़ी सारी जो मेमोरी है वो फ्री ऑफ स्पेस हो जाएगी। कोशिश करें कि अपनी मेमोरी को ज़्यादा फ्री ऑफ स्पेस करें ताकि आपके मोबाइल में ये इशू ना हो। तो दोस्तों ये दो रीज़न हैं, इनकी वजह से मोबाइल जो है आपका ऐसा सिस्टम जो है वो हैंग होता है। जैसे आप ये करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा, वो इशू आपका फिक्स हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को थम्स अप लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद एक मेन बात है, अगर आपका इशू ठीक नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, उसमें हम आपको उसी टाइम रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।